हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको हमारी लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में बता रहा हूँ, जिसका यह पार्ट 7 है। सीरीज़ के 6 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इस 7th पार्ट के अंदर मैं आपको हमारी लेह से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली तक की जर्नी दिखाऊँगा। तो चलिए घूमने चलते हैं। लेह से जब हम सुबह श्रीनगर के लिए निकले, तभी हमें सुबह सुबह ही लेह एयरपोर्ट पर एक बहुत बेहतरीन नज़ारा देखने के लिए मिला, जिसे आप भी देख सकते हैं। लेह से लगभग 25 किलोमीटर दूर लेह श्रीनगर हाईवे पर सबसे पहले हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पहुँचे। यह गुरुद्वारा बिल्कुल ऑन रोड ही बना हुआ है और इसे आर्मी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यह गुरुद्वारा देखने में काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पर काफ़ी शांति का एहसास आपको होगा। लेह से श्रीनगर जाते टाइम ही लेह श्रीनगर हाईवे पर लेह से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर हमने लिकिर मोनेस्ट्री को विज़िट किया। यह मोनेस्ट्री देखने में काफ़ी खूबसूरत है और इसके टाइमिंग्स आप यहां देख सकते हैं। इस मोनेस्ट्री को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस मोनेस्ट्री के अंदर, जैसा आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैत्रेय बुद्ध का एक 75 फीट ऊँचा स्टैचू भी देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने आलची मोनेस्ट्री को विज़िट किया, जो लेह से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मोनेस्ट्री को सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक माना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सन 958 से 1055 ईस्वी के बीच हुआ था। उसके बाद लेह श्रीनगर हाईवे पर ही आगे बढ़ते हुए लेह से लगभग 114 किलोमीटर की दूरी पर हमने लमायरू मोनेस्ट्री को विज़िट किया, जो लमायरू विलेज में ही बनी हुई है। यह मोनेस्ट्री भी लगभग 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसे भी सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक माना जाता है।
उसके बाद हम द्रास के नज़दीक शाम होते होते कारगिल वॉर मेमोरियल पहुँचे। कारगिल वॉर मेमोरियल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है। कारगिल वॉर मेमोरियल विज़िट करने के बाद हम श्रीनगर के लिए आगे बढ़े और जोजिला होते हुए श्रीनगर पहुँचे। अगले दिन हमने श्रीनगर में निशात बाग घूमा। यह बाग आप डल लेक के सामने ही बिल्कुल जस्ट देख सकते हैं। यह बाग देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हमें देखने को मिली और ये काफ़ी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़ भी हमने वहाँ पर देखे। शाम होते होते फिर हम लोगों ने डल लेक में शिकारे का आनंद लिया। शिकारे की राइड हम लोगों की काफ़ी लंबी थी और इस शिकारे की पूरी राइड के लिए भैया ने हमसे 1100 रुपये चार्ज किया, लेकिन हमें लगता है कि वह 1100 रुपये काफ़ी वर्थ थे क्योंकि यह राइड भी बहुत लंबी थी और शाम के समय क्योंकि धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो शिकारे में घूमना काफ़ी अच्छा लग रहा था। डल लेक में ही बिल्कुल सामने फ्रंट व्यू पर ही आपको जो हाउस बोट्स देखने के लिए मिलती हैं, हमने भी वहीं पर एक हाउस बोट रेंट की और उस हाउस बोट में हमने एक रात बिताई। वह पूरी हाउस बोट हमने 2500 रुपीज़ में एक रात के लिए ली थी। डल लेक में ही हमने शिकारे को चलाने का भी आनंद लिया। हालांकि हमसे यह ठीक से चल तो नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों ने जस्ट फोटो क्लिक कराने के लिए या वीडियो बनाने के लिए ऐसा किया। भैया ने ही हमें ऑफर किया कि आप लोग भी इसे चला सकते हैं। डल लेक में शिकारे की राइड लेते टाइम ही हमने देखा कि डल लेक के अंदर ही अपनी बोट्स के अंदर यहाँ लोग काफ़ी सारी चीज़ें भी बेच रहे थे, जिसके अंदर आपको खाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वहीं डल लेक में ही जब हम शिकारे की राइड ले रहे थे तो भैया ने हमें दिखाया कि कुछ दूरी पर या फिर बैक साइड में यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, जिसके अंदर आप काफ़ी सारे कपड़े, ऊन से बने गर्म कंबल या शॉल या और भी अन्य तरह की काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। और उन चीज़ों को खरीदने के बाद जिन भी शॉप से आप वो सामान खरीदते हैं वह आपका एड्रेस लेकर वो सामान आपके घर पर ही डिलीवर करा देते हैं। शाम होते होते शिकारे में बैठकर डल लेक में घूमना और भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत हो गया था।
अब अगले दिन हम श्रीनगर से दिल्ली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जल्दी निकलेंगे और रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। श्रीनगर से दिल्ली तक की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में अराउंड 4 बजे हम निकल जाएंगे। और वही हमने फॉलो भी किया। हम सुबह 4 बजे करीब श्रीनगर से निकल गए थे और रात में 11 या 12 बजे के अराउंड तक हम अपने घर पहुंच चुके थे। अब क्योंकि हमें सुबह जल्दी निकलना था और डल लेक हमें जो क्रॉस करानी थी वह जो हमारे हाउस बोट के ओनर थे वह ही करा सकते थे, तो इसीलिए हमने उनको कहा था कि आप सुबह थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, आप हमें डल लेक क्रॉस करा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम सोकर भी नहीं उठे थे, हमसे पहले ही वह आ गए थे और उन्होंने कहा हमसे कि आप लोगों को जल्दी जाना था। देन हम लोग जल्दी से रेडी हुए और उसके बाद अंकल ने हमें डल लेक क्रॉस कराई। जो हमारे हाउस बोट के ओनर थे वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारी हेल्प भी की, काफ़ी अच्छे से हमें वेलकम किया। अभी इस टाइम हम जवाहर टनल के अंदर चल रहे हैं। जवाहर टनल कश्मीर में काफ़ी फेमस टनल है और यह बहुत लंबी भी है। अब जस्ट जवाहर टनल हमने पूरी तरह क्रॉस कर ही ली है। टनल के आसपास के नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और यहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ से आप हमारे पूरे रूट की आइटनरी देख सकते हैं और अगर आप भी चाहें तो अपनी ट्रिप को इस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। यह हमारी लद्दाख रोड ट्रिप सीरीज़ की आखिरी वीडियो है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।